सहकारी समितियों के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे और सुनेंगे कि किस तरह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी समितियों की पूरी दुनिया के बारे में चर्चा की है और ग्रामीण भारत की तरक्की में किस तरह सहकारी समितियां अहम रोल अदा कर रही हैं उसके बारे में बताया है। दरअसल सोमवार को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस थी, जिसे पीएम ने संबोधित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था और उसमें पीएम ने सहकारी समितियों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 300 मिलियन लोग, यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 200,000 यानी 2,00,000 हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। आज देश भर में करीब 12,00,000 करोड़ रुपए 12 ट्रिलियन रुपीज कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है। कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए, उन पर भरोसा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे। हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस को भी हमने प्रति डिपॉजिटर 5,00,000 रुपए तक बढ़ाया। कोऑपरेटिव बैंकों में भी डिजिटल बैंकिंग को विस्तार दिया गया। इन प्रयासों से भारत सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा अधिक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल देखता है, इसलिए बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम की और उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। भारत ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज बनाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी समितियों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए नए मॉडल बायलॉज बनाए गए। हमने सहकारी समितियों को आईटी एनेबल्ड इकोसिस्टम से जोड़ा है। इनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट किया गया है। आज ये समितियां भारत में किसानों को लोकल सॉल्यूशन देने वाले सेंटर चला रहे हैं। ये सहकारी समितियां पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट चला रही हैं।
कई गांवों में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाटर मैनेजमेंट का काम भी देख रही है। कई गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। वेस्ट एनर्जी के मंत्र के साथ आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज गोबर धन स्कीम में भी मदद कर रही है। इतना ही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में डिजिटल सर्विसेज भी दे रही है। हमारी कोशिश यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने, इनके मेंबर्स की आय भी बढ़े। साथियों, अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम को भी हमारे कोऑपरेटिव ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तहत पूरे भारत में ऐसे वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी फसल रख सकेंगे। इसका फायदा भी सबसे ज्यादा छोटे किसानों को होगा। साथियों, हम अपने छोटे किसानों को एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित कर रहे हैं। छोटे किसानों के इन एफपीओ को सरकार जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है। ऐसे करीब 9000 एफपीओ काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए फार्म से लेकर किचन तक, फार्म से लेकर मार्केट तक एक सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।